क्या हुआ था मैं सब कुछ सच सच बताओ, हमें बताओगे आखिर माजरा क्या है? आप दो सम्राट, वी आर ऑल वेटिंग। असल में गुटी माँ को मिली थी, इन्होंने मुझे लाके दी थी, कहा था कि तानी को दे दो। हमें कब मिली थी? काहे झूठ बोल रहे हो? हमको काहे फंसा रहे हो तुम बेकार में है? बस बस कीजिए माँ, बस अपना नाटक बंद कीजिए यार, की पोल खुल चुकी है, सबके सामने आ गया आपका सारा सच। बोलो ये नाटक आपका, चोरी करती है वो कर रही है यहाँ पर, चुप करिए आप। इसलिए घबराई थी ना सेना, और अंगूठी अपने हाथ से नहीं मेरे हाथ से दिलवाई ताकि रंगे हाथों मैं पकड़ा जाऊं, ये नहीं, कमाल है यार आपकी यार। कुछ भी बोले जा रहे हो तुम, तो क्या बोल रहे हो सम्राट? माँ ने अंगूठी दी थी, मतलब मेरी असली अंगूठी कहाँ है? माँ आपका सारा सच सामने आ गया है, पोल खुल चुकी है आपकी, बता दीजिए सच, कहाँ है असली रिंग, कहाँ है, कहाँ है असली अंगूठी? अब बेटा कहाँ बोल रहे हो? ये बात साफ हो चुकी है कि आपने अंगूठी चुराई थी। अब हमें कहाँ है असली अंगूठी, कहाँ है, बेच दिया क्या, पैसा चाहिए था बेच दी, यही यही करती है आप? बेटा कुछ भी बोले जा रहे हो तुम। माँ जी आपने मेरी अंगूठी चोरी की है? I can't believe it. अरे बेटा ये झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है ये। What? आप इतनी गिर गई? आपने मेरे मेरे घर में चोरी किया? देखा बेटा, अरे कोई भी कुछ भी बोले जा रहा है, तुम भी ना हम पे इल्जाम लगाए जा रहे हो, हम ना चले जाएंगे अपने झांसी। क्या कितना प्यार देते हैं लोग बताओ यार, बाप ने सोचा तो होता कम से कम मेरा ससुराल है यार, चोरी कर लिया बड़ी थी। अब बेटा कुछ भी बोले जा रहे हो तुम, हमें तो यकीन नहीं हो रहा है कि हमारे घर में इतने गिरे हुए लोग रहते हैं और इतने घटिया काम कर रहे हैं। देख लो जितनी गोरी है उतनी काली इनकी नियत है, जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया ना। हे ऐसा मत कहो तानी की मामी, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, सच्ची कह रहे, कसम खा रहे हम सम्राट की, मर जाए मैं बेटा अगर हम झूठ बोल रहे हो तो। माँ जी ये आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आपने मेरा भरोसा तोड़ा। आपके लिए मैं अपनी माँ से लड़ गई थी, लेकिन आप ताली बहुत, हम सच्ची कह रहे हैं, कसम खा के कह रहे हैं हमने चोरी नहीं की है, इससे पूछो, इसकी भी तो कसम खा ली, हमारा सबसे लाडला बेटा है, बताओ बताओ बेटा हमने चोरी की है का? बोलो। जी क्या किया तुमने हमारे साथ हा? इतना गंदा और घटिया इल्जाम लगाया हमारे ऊपर, जे भी नहीं सोचा कि माँ की इज्जत के साथ खेल रहे हो यार। फालतू का डायलॉग मार के मदर इंडिया नहीं बन जाएंगी आप। क्या करता मैं और क्या बोलता, बता देता कि अंगूठी मैंने चुराई थी, वो माते अगर बता दिया होता ना अंगूठी मैंने चुराई थी, यहाँ खड़े होकर डायलॉग नहीं मार रही होती। भाई तो कोई और बहाना बना लेते, कोई और बहाना नहीं बना सकता था यार, दिस वाज द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल। ओके बच्चे के अपने बेटे के काम आई, ऐसी अच्छी बात हो सकती है? अरे माँ बाप का फर्ज होता है कि अपने बच्चों की ढाल बने, उनके काम आए, पर अपने हिस्से की जिंदगी जी चुकी हैं। ओवर टाइम चल रहा है आपका, हमारा टाइम अब जीने का, लेट अस लिव, लेट अस लिव, ओके फॉर गॉड सेक। बहुत ही बढ़िया माँ जी, बहुत बढ़िया। बेटे ने अपने आप को बचाने के लिए सरेआम अपनी माँ की बलि चढ़ा दी। कम से कम अपनी माँ के दूध का लिहाज तो कर लेते तुम। ये माँ बेटे के आपस का मामला है, ओके? बड़ा आपस का मामला है माँ बेटे का, देख रही हैं आप? आपके बेटे जैसा मक्कार और करप्ट आदमी किसी का नहीं हो सकता, अपनी माँ का भी नहीं। अपनी जान बचाने के लिए इसने आपके गले में फंदा डाल दिया माँ जी। इस तरह का बेटा ही आपका? सम्राट, सम्राट! पापा पापा किसी से कुछ नहीं बोलेंगे समझे आप? खबरदार जो आपने किसी से कुछ बोला तो। सम्राट कहाँ हो तुम? सम्राट
आप अब क्या करेंगे? आप किस मुंह से सबके सामने जाएंगे और क्या मुंह दिखाएंगे? आप हमने कुछ नहीं किया है, कसम खा के कह रहे हैं हमने कुछ नहीं किया। जानते हैं कि आपने कुछ नहीं किया माँ जी, आप कहे तो हम सबके सामने जाकर सच बोल सकते हैं। नहीं बहू, नहीं बहू, भजियत तो हमारी होगी ना, और अगर सम्राट की असलियत सामने आ गई तो सब कुछ हमारे खत्म हो जाए, सब खत्म हो जाए। ऐसा मत करना वो है, ऐसा मत करना। बात तो अब सही बोली है, अब जो आपने बोया है उसे कुछ तो काटना पड़ेगा ही आपको भी। सम्राट की लगभग हर गलती में आपने उसका साथ दिया, और वो भी बराबर। माँ जी, माँ है ना, आपका बेटा है वो, कैसी परवरिश दी है आपने, कैसे संस्कार है आपके बेटे के, अपनी माँ को सरेआम लोगों के सामने बदनाम कर दिया। बुरा लग रहा है हमें आपके लिए, पर अफसोस कुछ हो ना पाएगा हमसे। सॉरी। बहुत बुरा हुआ सम्राट, माँ ने मेरी रिंग चोरी कर ली और फिर क्या किया, मेरी रिंग बेच दी। अब सम्राट कुछ भी हो जाए मुझे मेरी रिंग वापस चाहिए बस। मैं लाके दूंगा तुम्हें तुम्हारी रिंग, ओके? जैसे मेरे पास पैसा आएगा मैं पहली चीज तुम्हें रिंग लाके दूंगा। मैंने क्या नहीं किया माँ जी के लिए, पैसे चाहिए थे तो मांग लेती ना मुझसे, मैं मना थोड़ी ना करती। चोरी, डिस्गस्टिंग यार। डिस्गस्टिंग, डिस्गस्टिंग इज नॉट द वर्ड। मुझसे पूछो ना यार, मुझ पे क्या बीत रही है, मुझसे पूछो, कितना शर्मिंदा मैं, क्या बताऊं यार। शर्म आती है मुझे ये कहते हो कि मैं उनका बेटा हूं। उनकी इन्हीं हरकतों की वजह से मैं नहीं चाहता था यहां पर आए, मजबूर है ना अपनी आदतों से। कौन सी आदत? डॉल। मेरी मां को चोरी करने की बीमारी है। What? और आज से नहीं, हमेशा से करती आ रही है चोरी। अरे दूसरों के जेवर तो छोड़ो, अपनी शादी पे अपने जेवर चुरा लिए थे उन्होंने, और बोल यार हर जगह मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है मुझे। पता नहीं सर मैं कितनी जगह पे मैंने मार खाई, मैं जानता हूं उनकी वजह से मार खाई है मैंने, मार ऐसे करके मार खाई है मैंने सबसे। वो तो किसी भी सामान पे हाथ साफ कर दिया करती थी, लोग अपना हाथ साफ मेरे ऊपर किया करते थे। इन सम्राट ये बात तुमने मुझे बताई क्यों नहीं? कैसे बताता बेबी डॉल, कैसे बताता, किस मुंह से बताता कि मेरी माँ चोर है, उनकी बेस्ती मतलब मेरी बेस्ती। तो मेरे मन तो मैं हाथ ले पालू मेरी माँ चोर है, मेरी माँ चोर है। तो पूछती ना कि क्यों चिल्लाते हो, मैं चिढ़ता था माँ से, पूछती ना तुम क्यों चिल्लाते रहते हो, मैं इसलिए, ये रीजन था इसलिए चिल्लाता था। You're right, सम्राट, अब मुझे ये बात समझ आ रही है। डॉल, पहले दिन, you remember, पहले दिन जब माँ आई थी, पहले दिन मैंने समझा दिया तुमने कि कोई गलती मत करना यहाँ पे। लेकिन सम्राट ये सब तुम अपने आप ही झेलते रहे, मुझे बताया भी नहीं तुम्हें मैं तुम्हारी बीवी हूँ। Baby doll, you're right. मैं बता सकता था मैं, सॉरी, पर क्या करता मां, मेरी मां है ना वो, बस मां का यही सोच के मैं चुप रह गया। यू नो व्हाट सम्राट, ये बात सुनकर ना मेरी नजरों में तुम्हारी इज्जत और भी ज्यादा बढ़ गई है, एंड आई लव यू फॉर दिस। सच में बेटा? Yes. I love you too. बहुत बढ़िया सम्राट बेटा, क्या झूठ बोले हो, अबे तुम्हारे कमीनेपन का जवाब नहीं, अपनी माँ को ही यूज कर लिए, क्या बात है। बस इस बेवकूफ तानी का भरोसा बना रहे तुम पर तो तुम किसी को भी बेवकूफ बना के खुद को साफ साफ बचा सकते हो।
ये तुम्हारे लिए लड़की नहीं है, संजीवनी बूटी है बेटा, संजीवनी बूटी तुम्हें मरने नहीं देगी। है मामी जी। हाँ, आपके कमरे में आपका मोबाइल नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है? रानी ठीक से जाके देखो, वहीं पड़ा होगा, जाओ। संध्या अपनी चीजें संभाल कर रखो, पता नहीं कब क्या हो जाए। अब ये घर पहले जैसा तो नहीं रहा। हाँ दीदी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मॉम मुझे लगता है कि अब आपको ना इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अब सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। वो कैसे? डैड आप एक छोटा सा काम कर देंगे मेरे लिए? बोलो क्या बात है? आप माजी की झांसी के लिए टिकट करवा दीजिए। अब माजी झांसी जाएंगे, माजी अपने छोटे बेटे के घर में अब कितने दिन और रहेंगे? अच्छी बात है, हमें कौन सा अब यहाँ रुक कर लात घूंसे खाने है? चले जाए हम तभी अच्छा है, सम्राट झेले जो झेला। सेठ, अपुन इस गाड़ी का 22 लाख देता है। अरे गाड़ी चोरी करने की जिम्मेदारी आपकी है ना, मैं गाड़ी के आसपास रहूंगा ना मैं कोई मदद करने वाला हूँ। साला ये तो कार चोर है, साला यहाँ क्या कर रहा है? ये साला गाड़ी चुराने आया क्या यहाँ पर? अब साला इडियट, अभी पकड़ता हूँ साले को, इतनी हिम्मत इसकी। वो इन्वेस्टर्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है आज, मैं जरा वो फाइलें ले आता हूँ। हाँ वो पेपर्स ले। सम्राट, अरे सम्राट क्या हुआ? सम्राट अबे साले गाड़ी चोर करके भाग गया, साला दिन दहाड़े डकैती हमारे सामने, साला इतनी हिम्मत हो गई तुम्हारी? ओ सेठ जबान संभाल के बात कीजिए। फालतू बात मत करो, यहाँ क्या कर रहे हो बोलो? हमने बुलाया इसे, तुम क्यों चिल्ला रहे हो? बुला उर्मी, ये कौन है? सम्राट तुम इसे देख, इतने बौखलाए हुए क्यों? Is everything all right? पापा ये कार डीलर है, हमने इन्हें बुलाया था, हमने सोचा कि हम अपनी पुरानी कार को सेल करके नई कार लेने का प्लान कर रहे थे, तो सोचा कि इन्हें गाड़ी दिखा देते हैं। ओह आई सी, ठीक है। तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे थे सम्राट? What happened? मैडम मैंने आपको बताया था ना कि आपके घर से एक कार की डील हुई थी मेरी। हाँ? जो लास्ट मोमेंट में कैंसिल हो गई, वो इन्हीं सेठ ने की थी। ओह माय गॉड, कार की डील? कौन सी कार की डील, क्या है ये सब? मैडम इसी कार की हुई थी। मैंने तो इन्हें एडवांस भी दे दिया था। हाउ डेयर यू सम्राट, तुम मेरी कार बेचने वाले थे? तुम ये क्या कर रहे थे सम्राट? व्हाट वर यू डूइंग? पता नहीं मैडम क्या कर रहे थे, पहले पैसे ले लिए फिर वापस लौटा दिए। हाँ? साले तो बुरा फंस गया मैं यार, इस कार की मार से कैसे बचूं? सम्राट ये क्या सुन रहे हैं? तुम ताने की कार बेचने जा रहे थे? पूछ सकते हैं क्यों? सरप्राइज देना चाहता था मैं यार,
आपके बेबी डॉल का सरप्राइज देना चाहता मैं। गाड़ी यही हुआ कि मैंने सोचा कि पुरानी गाड़ी निकालता हूँ, नई गाड़ी में सरप्राइज देता हूँ, गिफ्ट देता हूँ अपनी बेबी डॉल को। ये सोचा था मैंने। नई कार सम्राट, तुम मुझे नई कार गिफ्ट करने वाले थे? अरे रियली बेबी डॉल रियली, मेरा बड़ा मन कर रहा था। मैं क्या बताऊँ मैम कि मैंने बहुत दिनों से सरप्राइज नहीं दिया था अपनी बेबी डॉल को, मैंने सरप्राइज नहीं दिया था। मैंने सोचा कि इस बार सरप्राइज दूँ, बड़ा सरप्राइज। तो फिर दिया क्यों नहीं? गिफ्ट क्यों नहीं दिया? प्रॉब्लम हो गई यार, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। क्या हो गया? क्या था सम्राट? बोलो सम्राट। इमोशनल अटैचमेंट है ना बेबी डॉल का गाड़ी से। कहा था ना ईशान ने बेबी इमोशनल अटैचमेंट है। मैंने सोचा कि भाई अटैचमेंट टूट जाएगा अगर मैंने बेच दी गाड़ी, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी फिर तो। नहीं, अच्छी बात थोड़ी ना। करेक्ट। वाह, अजीब बात है ना, अपनी बीवी की गाड़ी बेचकर उसे सरप्राइज दे रहे थे। तो इतना ही प्यार है अपनी बीवी से तो उसके लिए नई कार खरीद लो ना। आप देखे ना सासू मम्मा, देखिए मैं कैसे नई गाड़ी लाके देता हूँ मैं अपनी बेबी डॉल को। नई गाड़ी बताओ, बेबी डॉल कौन सी चाहिए तुम्हें गाड़ी? ये छोटी मोटी गाड़ी नहीं है भैया, बड़ी गाड़ी लाके दूंगा मैं, वो भी अपने पैसों से। देखिए मैडम, आप अपनी फैमिली मीटिंग करते रहिएगा, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आप मुझे कार के पेपर्स देंगे या नहीं? दो भाई, कार पेपर दे दो ना, खत्म करो बात, जाने दो साथ में। अरे हाँ हाँ देंगे ना, क्यों नहीं देंगे, हमें कार चोरी थोड़ी ना करवानी। नहीं मैडम, क्या है कि हम लीगल और इलीगल दोनों काम करते हैं, इसलिए पूछ लिया था। वैसे इन्होंने तो आप एक काम कीजिए, आप जाइए, हम आपको दो तीन दिन में बताते हैं कैसे और क्या करना है। पर भैया काम बिल्कुल लीगल होना चाहिए। नॉट इलीगल। जी मैडम, नमस्ते। नमस्ते। लेट्स गो इनसाइड। पापा गाड़ी में कुछ सामान रखा है, हम लेकर आते हैं। ओके। कम ना। सम्राट सिंह राठौर, ये मत सोचना कि तुमने अपने आप को बचा लिया। तुम्हें सिर्फ बचने का एक मौका दिया हमने। आज मन नहीं है हमारा, टिल देन एंजॉय। उर्मी ने आज जो किया है उसके बाद जरूरी है कि तानी का भरोसा पूरी तरह से जीता जाए। बेटा सम्राट, फिर तुम बच सकते हो, और अभी तो तानी फुल इंप्रेस भी है तुमसे। मार दो हथौड़ा। माय तानी, माय बेबी डॉल, माय लव, माय जानू, आई एम सो हैप्पी टुडे। वाई सम्राट, आज इतने खुश क्यों हो तुम? बेबी डॉल, आज मुझे एहसास हो गया, फिर से एहसास हो गया है कि मैं कितना लकी हूं कि मुझे तुम्हारी जैसी बीवी मिली। सो अंडरस्टैंडिंग, कितना भरोसा करती है मुझ पे। थैंक यू सो मच सम्राट, लेकिन ये एहसास तुम्हें आज क्यों हुआ? बेबी डॉल क्या है, मेरा दोस्त है, सुनो मेरी बात, मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है नीरज पांडे। अब उसकी जो बीवी है ना, उस पर इतना शक करती है, मैं क्या बताऊँ, मतलब इतना डाउट, मिसेस डाउटफायर बनी हुई हो, बताओ। लेकिन उसकी बीवी इतना शक क्यों करती है उस पे? अरे कुछ नहीं, ऐसी बेचारा एक दिन ऑफिस से घर आ रहा था, है? तो उसने बस स्टॉप पे लड़की को देखा बैठे हुए, उसने बात बात कर ली उससे। बात करने के बाद उसने सोचा चलो लिफ्ट दे, तो लिफ्ट दे दी। अब यहाँ पे गाड़ी रोकी, वो कॉफी पीने गया घर पे, वो कॉफी इतनी सी बात, एक कॉफी पीने गया ऊपर उसके घर पे, उसकी बीवी को वापस चल गई। उसकी बीवी ने क्या किया मैं क्या बताऊं यार, उसका जीना हराम कर रखा है उस लड़की ने, बताऊं मैं। शी हैज स्पॉइल्ड हिज लाइफ। इसमें गलत क्या है सम्राट? तुम्हारे दोस्त की बीवी सही तो है, तुम्हारे उस दोस्त को क्या जरूरत है उस अनजान सी लड़की को लिफ्ट देना, उसके घर में जाके कॉफी पीने की? He was married ना, शादीशुदा था ना, तो फिर क्यों गया? And I'm sure तुम्हारे दोस्त नहीं बोला होगा कि चलो ना मैं तुम्हें तुम्हारे घर पे छोड़ देता हूँ,
राजस्थान जाके फिर वहां पे कॉफी पीऊंगा। और उसकी बीवी ना बिल्कुल सही है। तुम्हारे दोस्त की बीवी उससे नाराज है ना, सिर्फ गुस्सा है ना। उस लड़की की जगह मैं होती ना और वो लड़के तुम होते तो आई स्वेयर तुम्हारा गला दबा देती। क्या कर रही हो? ये मोटी बातों में नहीं आने वाली है, कुछ और बड़ा और सॉलिड मामला सेट करना पड़ेगा बेटा सम्राट। उसके लिए चाहे जो झोल करना पड़े, जो मगजमारी करनी पड़े करेंगे, क्योंकि एक बात तो तय है कि इस घर से अब वापस नहीं जाना है, चाहे उसके लिए मुझे कितना भी कमीनापन करना पड़े, कितना भी जलील होना पड़े। आई वोंट गो, आई वोंट गो।